हेलो एवरीवन, भारत केमिस्ट्री क्लासेस की नई वीडियो में मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूं। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन, यूजेस एंड स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं। अब करते हैं इसके इम्पोर्टेंट रिएक्शन के बारे में। तो सबसे पहले जो इसकी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वो है एक्शन ऑफ हीट, कि हीट का क्या फर्क पड़ता है पोटेशियम डाइक्रोमेट के ऊपर। पोटेशियम डाइक्रोमेट को जब हम लोगों ने हीट करना है तो ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा क्रोमेट के अंदर, सिंपल। और क्या बनता है इससे, एक बनता है क्रोमिक एसिड ऑक्साइड Cr2O3 एंड प्लस में बनता है O2 3O2। ये फोर टाइम्स है, ये आपके फोर हो गए हैं, ये टू। जब इसको पोटेशियम डाइक्रोमेट को हीट करेंगे तो ये क्या बनेगा, आपका क्रोमेट बनेगा। ये इंपॉर्टेंट होता है कि एक्शन ऑफ बेस, एक्शन ऑफ अल्कलीज, अल्कलीज के साथ जब हम इसे ट्रीट करते हैं देन क्या होता है। देखिए, जब डाइक्रोमेट की रिएक्शन करवा दी जाती है बेस के साथ, मींस KOH के साथ आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करवाई, देन क्या होगा, इससे हमारा बनेगा K2CrO4। ये 2 KOH कर देते हैं तो ये हमारा बन गया 2K2CrO4। बचा क्या है, बचेगा आपका H2O। ये बन गया क्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट को जब हम बेस के साथ ट्रीट करते हैं तो आपको बनता है पोटेशियम क्रोमेट, और जब हम इसको किसी एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, H2SO4 के साथ आपने ट्रीट किया तो क्या होगा, ये आपका अगेन कन्वर्ट हो जाएगा डाइक्रोमेट के अंदर K2Cr2O7। देखिए, डाइक्रोमेट को जब बेस से ट्रीट करते हैं तो क्रोमेट बनता है, और जब क्रोमेट को एसिड से ट्रीट करते हैं तो आपका एसिड बन जाता है। अब बात आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कल भी कर रहे थे, कि पोटेशियम डाइक्रोमेट एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड या इन एसिडिक मीडियम। K2Cr2O7 को जब आप एसिड में रखते हैं H2SO4 में, तो ये क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। मीन्स इस पे खुद के ऊपर क्या हो जाती है, रिडक्शन हो जाती है। कैसे होगी, देखिए, ये आपका बनेगा K2SO4 Cr2SO4 थ्राइस, प्लस में आपका बनेगा 4H2O एंड 3 ऑक्सीजन। कैसे आप इसको सिंपली याद रख सकते, तो देखिए, ये SO4 है, 4SO4 है, 1SO4 को लेके गया K2SO4 बना, Cr2 लेके गया रिमेनिंग 3SO4 को, SO4 थ्राइस बन गया। ये 7 ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन में से 4H2 ने 4 ऑक्सीजन के साथ बनाए 4H2O वाटर मॉलिक्यूल, एंड जो हमारे बचे हैं वो बचे हैं 3 ऑक्सीजन। इसके ऊपर हमारी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब बात आती है इसकी नेक्स्ट की, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिएक्शन विद H2O2। H2O2 के साथ जब हम इसे ट्रीट करते हैं देन क्या होता है, देखिए, K2Cr2O7 को जब आपने ट्रीट किया विद हाइड्रोजन परोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो क्या होगा, एक तो आपका बनेगा K2SO4, एक आपका बनेगा 5H2O, और लास्ट आपका बनेगा Cr O5, एंड ये जो 2CrO5, ये जो CrO5 बना है, ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल है। इसे बोलते हैं परोक्साइड ऑफ क्रोमियम, परोक्साइड ऑफ क्रोमियम। इंपॉर्टेंट क्यों है ये इंपॉर्टेंट है अपने स्ट्रक्चर की वजह से। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर हुआ करता है, कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। ये स्ट्रक्चर होता है CrO5 का, परोक्साइड ऑफ क्रोमियम का, और ये सिंपल सी हमारी प्रॉपर्टीज है पोटेशियम डाइक्रोमेट की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।